अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग को, कि फ्रॉग के किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है और किन ग्रुप्स में की गई है, वो देख लेते हैं हम। ठीक, जैसे कि आप यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक, तो आप देख लेते हैं हमारे पास फ्रॉग की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है। जैसे कि फ्रॉग का आपको कॉमन नेम तो पता ही है, फ्रॉग कहते हैं, ठीक। तो अब हम इसकी किंगडम देख लेते हैं, इसको किस किंगडम में रखा गया है। इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, ठीक। जैसे कि आपको नजर आ रही है, किंगडम एनिमेलिया में इसको प्लेस किया गया है, रखा गया है यहाँ पर फ्रॉग को। क्यों रखा गया? क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में ऐसे जानदारों को रखा गया था जो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या कोई भी हरकत कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसका फाइलम देख लेते हैं हम। फ्रॉग का जो फाइलम है वो कौन सा है? कॉर्डेटा का, जो इंसान का होता है, ठीक। इंसान में क्यों था? क्योंकि इसके पास रीढ़ की हड्डी पाई जा रही थी, तो इसी वजह से फ्रॉग को भी कॉर्डेट्स में रखा गया है, ठीक। क्योंकि फ्रॉग्स में भी क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, ठीक। ये इसकी बैकबोन है, इसी वजह से इसको फाइलम कॉर्डेट्स में रखा गया है। तो ठीक, अब इसकी हम क्लास देख लेते हैं। कौन सी क्लास? ऐसी क्लास एम्फीबिया। इसको एम्फीबे क्लास में क्यों रखा गया है देख लेते हैं। हमारे पास ये एम्फीबे क्लास में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो स्टार्ट की जो अपनी लाइफ हो किसमें गुजार रहा है, सारी एक्वेटिक है, ठीक। एक्वेटिक लाइफ ये गुजार रहा है। एक्वेटिक लाइफ गुजारने के बाद ये जब एडल्ट हो जाता है तो फिर इसकी अपनी च्वाइस होती है कि पानी में भी रह सकता है और खुश्की में भी रह सकता है। खुश्की में रहने से मुराद कि वो जमीन पर भी रह सकता है, और पानी में रहने से मुराद वो किसी भी दरिया, झील या फिर समंदर वगैरह में भी रह सकता है, ठीक। तो अब हम इसकी ऑर्डर को देख लेते हैं। ऑर्डर क्या है इसकी? ऑर्डर है इसके पास साइलेंटिया या फिर एनोरा भी कहते हैं, ठीक। इसे तो ऑर्डर क्या है इसके देख लेते हैं हम। ऑर्डर है हमारे पास इसके साइलेंटिया। ऑर्डर इसका साइलेंटिया क्यों रखा है? क्योंकि इसके पास जो लेग्स होती हैं बड़ी ताकतवर होती हैं, जो हाइंड लेग्स कहलाती हैं, ठीक। इसकी ये बड़ी ताकतवर होती है, इसको हाई जंप लगाने में हेल्प करती है, ठीक। इसकी मदद से ये दूर दूर तक ये क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। इसी वजह से इसे कौन से साइलेंटिया एनोरा में रखा गया, या तो साइलेंटिया भी कह सकते हैं या तो फिर एनोरा भी इसके ऑर्डर को हम कह सकते हैं। अब हम इसकी फैमिली देख लेते हैं। फैमिली में इसको कौन से रेनिडे में रखा गया? रेनिडे में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक, और इसके जो जो लिम्स लेग्स पाई जाती हैं, ठीक, या फिर इसकी जो फिंगर्स के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक, वह कुछ नजर आ रहा है जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। इसी वजह से इसको रेनिडे में रखा गया क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी, क्योंकि पानी में भी रह सकता है और खुश्की में भी रह सकता है। इसी वजह से इसको रेनिडे फैमिली में रखा गया है। अब इसका जीनस देख लेते हैं। इसका जीनस क्या है हमारे पास? राना, और स्पीशी क्या है हमारे पास? टिग्रीना। तो जीनस और स्पीशी को डिस्कस करते हैं, फिर साइंटिफिक नेम तो आपको पता ही है, जीनस और स्पीशी मिलकर क्या बना देते हैं इसका साइंटिफिक नेम, जो क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। तो पहले राना को देख लेते हैं। राना क्या होता है? ये जो राना है इसका जीनस है। जीनस से मुराद क्या होती है? इसकी कंपोजिशन है, जो इसकी बनावट होती है, ठीक, स्ट्रक्चर की, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो कि पूरी नॉलेज पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इसका वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या इसको फॉर्म करता है कि इस तरह के इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये ऑर्डर्स इशू करता है, ठीक, जो कि डीएनए की तरफ से आता है सेल से। तो ये जो इसकी जो बनावट है, इसकी बनावट की बिना पर इसकी जो जीनस रखा गया है वो राना रखा गया है, ठीक। अब ये जो राना है, राना का मतलब होता है फ्रॉग, ठीक। तो फ्रॉग ही इसकी बनावट की बिना पर इसको नाम दिया गया है, ठीक। और इसकी जो स्पीशी है वो क्या है? इसकी टिग्रीना। टिग्रीना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्किन की बनावट है, जो स्किन के ऊपर आपको ये इसके डिजाइन नजर आते हैं, ठीक है, ये नेचुरली होते हैं। अब इसकी स्किन की बनावट की बिना पर इसको क्या? टिग्रीना का स्पीशी का नाम दिया गया है, ठीक। अब जितने भी किस्म के जो फ्रॉग पाए जाते होंगे उनकी स्पीशी जो होती है वो क्या होती है? टिग्रीना होती है, ठीक। जैसे कि साइंटिफिक नेम का अभी मैंने आपको बताया था, किससे मिलकर बनता है? जेनस। तो इसका जेनस है हमारे पास राना, और स्पीशी नेम क्या है इसका? टिग्रीना। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम बन गया। और साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इस एक ही नेम से पूरा वर्ल्ड इसको जान सके, पहचान सके, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग को डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में फायर किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।